हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीज कुकिंग शो। आज मैं आपको सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें सिंगाड़ा का आटा, नारियल का बुरादा, चीनी, पानी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने लिए हैं नारियल, बादाम और काजू, देसी घी। आइए इसको बनाते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे। अब गरम कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तो हम इसमें सिंघाड़े का आटा डालकर आटे को सुनहरा भून लेंगे। दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि घी अच्छी तरह से गरम हो जाए ताकि हमारे आटे में किसी प्रकार का लम्स ना आए। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको अच्छी तरह से गरम कर लें और अब हम इसको आटा डालकर भून लेते हैं। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे सुनहरा भून लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी, 4 से 5 बड़े चम्मच, और हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े पक जाए। अब जब इसमें उबाल आने लगे तो हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और इसको डालकर 20 से 30 सेकंड तक पकने देंगे। अब ये तैयार है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना भुना हुआ आटा डालेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार है। हम इसे एक बाउल में लेकर के सर्व करेंगे। तो देखिए, ये बनकर तैयार है। अब हम इसे नारियल के बुरादे के साथ गार्निशिंग करेंगे। तो दोस्तों, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।